नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ जीके के ऊपर कुछ सैंपल एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको मदद करेंगे छत्तीसगढ़ के जो हिस्ट्री होती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जितने भी डायमेंशंस हैं ना उन पे, उनके लिए जैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सीजीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम्स के या ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उन सारे एग्जाम्स में ये जो सीरीज है लेक्चर सीरीज ये मदद करेगी आपकी। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं या तो वो छत्तीसगढ़ की जो स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड है, स्टैटिक जीके में मतलब जैसे जो उसकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन है, बजट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये उन सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिविजन में मदद करेगी। उनसे रिलेटेड आपको मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। सेकेंड ऑफ ऑल ये आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अवगत कराएगी कि जो एग्जाम में आप किस तरीके के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस उनसे रिलेटेड जो और भी इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम या जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे होंगे बताता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो पूरी सीरीज है इट इज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज की जो सीरीज चल रही है इंग्लिश में, उसी का पार्ट है इस पूरी, ये जो पूरी सीरीज है इसमें हमने एक एक करके सारे छत्तीसगढ़ के वेरियस टॉपिक्स देखे थे। अब हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की, मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। आगे बढ़े उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारे जो वेबसाइट है उस पे छत्तीसगढ़ के जितने भी नोट्स हैं स्टैटिक जीके के, जैसे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो सीजीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उसके लिए मंथली क्विज या फिर जो छत्तीसगढ़ की स्टैटिक जीके है उसके लिए क्विज सीरीज या फिर जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए क्विज सीरीजेस वहां पे अवेलेबल हैं, वो आप जाके अटेंड कर सकते हो वहां पे www.streetzero.in पर। आगे बढ़े उससे पहले आप एक छोटा सा ब्रीफ मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है दोस्तों आलोक गुप्ता, ये आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे और ये एक छोटा सा ब्रीफ है, सो प्लीज गो थ्रू इट एटलीस्ट वंस। अच्छा, ये सारे लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, इनकी पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, नोट्स कैसे एक्सेस करना है, ये सारे आपके सवालों के जवाब है www.streetzero.in और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर इफ इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, दैट इज 8447022777। क्लियर? तो दोस्तों चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट, जो छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शंस हैं नंदीग्राम, नंदग्राम, वैरागीगढ़ या डोंगरागढ़, ये चार आपके ऑप्शंस थे। जो छत्तीसगढ़ में, जब तक आप इसका जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, मैं आपको इसके कुछ आंसर्स मतलब इसके बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए टोटल अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसमें 5 डिवीजन्स हैं और टोटल कितने स्टेट्स कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि 27 डिस्ट्रिक्ट हैं या 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सही जवाब है 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रिसेंटली ये 28वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो ये जो टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट हैं ये इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, 5 डिवीजन्स में डिवाइड हैं और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट आता है राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट। राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम दोस्तों नंदीग्राम है, तो आपका सही जवाब हो जाता है ए। आई होप आप लोगों ने सही गैस किया होगा, राइट आंसर इज ए। क्लियर है? तो यहां से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर लेते हैं। सबसे पहले तो राजनंदगांव की लोकेशन कहां पे है, तो अगर आप अपना मैप ढंग से देख रहे होंगे तो ये देखिए जो आपका राजनंदगांव है वो यहां पे आता है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो एक ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करेंगे किस डिवीजन में आता है आपका, तो ये आता है आपका दुर्ग डिवीजन में। किस डिवीजन में आता है, दुर्ग डिवीजन में। कौन कौन से 5 डिवीजन है उनके नाम याद कर लेते हैं। पहला नाम है सरगुजा, सबसे ऊपर वाली डिवीजन। उसके बाद आता है बिलासपुर डिवीजन, उनके नीचे 2 डिवीजन आ गए, फिर दुर्ग और रायपुर डिवीजन, और सबसे नीचे आता है आपका बस्तर डिवीजन। 5 डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल 28। अगर आप इनको काउंट करते हो तो दीज आर 28 डिस्ट्रिक्ट्स। ये आपके लिए मैप मैंने बड़ा कर दिया है, तो आप आराम से देखिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कितने डिवीजन्स हैं छत्तीसगढ़ में या फिर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में।
अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो फिर क्वेश्चन अगर आपको ये पता है तो फिर क्वेश्चन इस टाइप का बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ शेयर करता है, मतलब छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संग बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुकमा। क्या नाम हो जाएगा? सुकमा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन आपका कैसा बनाया जा सकता है कि भाई सेकेंड क्वेश्चन इज कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के संग शेयर करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है छत्तीसगढ़ का? सो दैट इज बीजापुर। क्या नाम है उसका? बीजापुर। ठीक है, फिर राजनांदगांव ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संग बॉर्डर शेयर करता है। देन ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बलरामपुर। बलरामपुर तीन डिस्ट्रिक्ट तीन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर टच करता है, दैट इज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। काफी इंपॉर्टेंट है कौन सा? बलरामपुर। देन जसपुर जो है वो झारखंड और उड़ीसा के संग बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड एंड उड़ीसा, जसपुर। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको कुछ बताया इस मैप के माध्यम से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे कुछ डिटेल्स है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन है वो कब हुआ, कैसे हुआ, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दी है। आप लोग इसे सेल्फ स्टडी कर सकते हो पॉज करके। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई छत्तीसगढ़ में होते हैं आपके पांच डिवीजन, कितने? पांच डिवीजन, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग डिवीजन, रायपुर डिवीजन एंड बस्तर डिवीजन। तो किस डिवीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे राजनांदगांव की, तो ये आता है दुर्ग डिवीजन में। दुर्ग में इसके अलावा पांच, मतलब राजनांदगांव के अलावा चार, यानी टोटल पांच और डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे कबीरधाम जिसको क्वारधा के नाम से भी जानते हैं, फिर दूसरा है बेमेतारा, थर्ड इज दुर्ग, फोर्थ इज बलोद एंड फिफ्थ इज राजनांदगांव। तो ये पांच डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके किसमें? दुर्ग डिवीजन में। रायपुर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपके रायपुर डिवीजन में भी पांच डिस्ट्रिक्ट आते हैं, महासमुंद, बलौदा बाजार, गायरा बांध, रायपुर एंड धमतरी। ठीक है, सबसे अब यहां से दो क्वेश्चन बना देता हूं, इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये जवाब आप देना कि किस डिवीजन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, किस डिवीजन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए दुर्ग, रायपुर और सरगुजा में तो आपके पांच पांच डिस्ट्रिक्ट हो गए, यानी 15 हो गए, टोटल है 28, यानी अब बचते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट। तो 13 में से अब आपके सामने है जो भी है, तो आप इसका जवाब देना मुझे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया, मतलब जो जनसंख्या के आधार पे छत्तीसगढ़ का इंडिया में कौन सा स्थान है, मतलब किस नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आपको पता होगा जो स्टेट्स हैं टोटल इंडिया में, उन स्टेट्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, कि उनका एरिया कितना बड़ा है छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं, राइट? तो पॉपुलेशन के स्तर पर, पॉपुलेशन के अगर हम स्कोर्स देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? आपके ऑप्शन है 30th, 23rd, 17th या नन ऑफ दीज। छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है इसका निर्माण कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो दैट इज 1 नवंबर 2000 में, राइट? कौन से नंबर का स्टेट बना था ये छत्तीसगढ़, आपको ये पता है क्या? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां? इस ऑप्शन का आप जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राइट नाउ द क्वेश्चन विच इज इन कंसिडरेशन इज छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन के स्तर पे कौन सी रैंक है। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज 17th। तो ये प्लीज याद रखना, 2011 के सेंसस की बात माने तो छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो थी 25.45 मिलियन। इतनी 25.45 मिलियन, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से 2.5 करोड़, इसको ऐसे भी राउंड ऑफ करके बताया गया 2.56 करके करोड़ करके। सो 25.45 मिलियन, डू रिमेंबर। तो अब इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जो पहले नंबर पे आता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, जो कि है आपकी 20 करोड़ के आसपास। यहां पे रूरल, अर्बन पॉपुलेशन, एरिया सब कुछ दिया हुआ है, सेक्स रेशियो।
अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है दैट इज 25.54, जो कि हमारे ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो 2.11% पॉपुलेशन है। वहीं उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 16.51% है। अगर हम बात करें 2001 के सेंसस और 2011 के सेंसस के नंबर्स की कंपैरिजन में तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है छत्तीसगढ़ में वो 22.6% हुई है। एरिया की बात करते हैं अगर हम छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो है आपका 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो 189 डेंसिटी, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की तो वो 991 सेक्स रेशियो है, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 991 महिलाएं। तो ये सेक्स रेशियो है। ये सारे नंबर्स प्लीज याद रखना, इनके हर एक नंबर पे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ ऑफ छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भैया व्हाट इज द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ छत्तीसगढ़ एज पर सेंसस 2011। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ छत्तीसगढ़ एज पर सेंसस 2011। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन से हमने कम से कम 6-7 क्वेश्चन बना लिए। जो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे वो क्वेश्चन है, आप ये बताइए इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ की क्या रैंक है हमारे देश में, राज्यों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो छत्तीसगढ़ किस नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था चाकर डैम जो है छत्तीसगढ़ में वो कहां पे सिचुएटेड है। चाकर डैम आपके ऑप्शन है कबीरधाम, बिलासपुर, दुर्ग और या फिर बस्तर। जो चाकर डैम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, इन किस जगहों पे, इन में से किस जगह पे स्थित है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग, और साथ ही साथ अब आप ना गैस करते रहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में आ रही है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे बिलासपुर तो बिलासपुर डिवीजन में आ जाएगा, दुर्ग दुर्ग डिवीजन में आ जाएगा, तो इस तरीके से। और हाँ, इसका आंसर था कबीरधाम में, जो चाकर डैम जो है दैट इज सिचुएटेड इन कबीरधाम। कबीरधाम किस डिवीजन में आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीड आउट किया था, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, कितना अटेंटिवली पढ़ रहे हो वो यहाँ से पता चलता जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई, ए। आगे चलें, तो अब देख लेते हैं कुछ छत्तीसगढ़ के फेमस डैम्स। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की कहानी देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में इरीगेशन के लिए या रिजर्वायर के तौर पे या कैनाल के लिए कम से कम लगभग 51 मीडियम और मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ की धमतरी डिस्ट्रिक्ट है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैम्स हैं। जैसे कि एक सबसे फेमस डैम रविशंकर वाटर डैम, जिसको हम लोग गांगरेल डैम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, जैसे गांगरेल डैम जो रविशंकर डैम के नाम से प्रसिद्ध है, ये है आपका धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही मुर्रम सिल्ली डैम, ये भी धमतरी में है। कूटा घाट डैम, ये है आपका बिलासपुर में। कौन सा? कूटा घाट। कूटा घाट डैम जो है वो बिलासपुर में है। हसदेव बांगो डैम, ये कहाँ पे है? कोरबा में। तंडूला डैम, ये है बलोद में। तंडूला डैम कहाँ पे है? बलोद में। कुड़िया, खुड़िया डैम, ये है बिलासपुर में। खुड़िया डैम बिलासपुर में। दुधवा डैम, दिस इज इन धमतरी अगेन। रावो डैम इज इन रायगढ़, रावो डैम इज इन रायगढ़। सोंदुर डैम, इट इज इन धमतरी। एंड खेर काटा डैम, इट इज इन पाखनजोर। ठीक है, तो प्लीज इन सारे डैम्स को एक बार फिर से स्टॉप करिए वीडियो को और पढ़ लीजिए। गांगरेल धमतरी में है, मुर्रम सिल्ली धमतरी में है, कूटा घाट बिलासपुर में है, हसदेव बांगो कोरबा में है, तंडूला डैम इज बलोद, खुड़िया डैम इज इन बिलासपुर, दुधवा डैम इज इन धमतरी, रावो डैम इज इन रायगढ़, सोंदुर डैम इज इन धमतरी एंड खेरा घाट डैम इज इन पाखनजोर। अगला क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। जैसे कि मराठी ऑप्शन में है, हिंदी ऑप्शन में है, इंग्लिश या फिर नन ऑफ दीज। आपको अभी पता होगा करंट अफेयर के माध्यम से भी ये क्वेश्चन बहुत विवाद में चल रहा है। आपको पता होगा जैसे कि एक पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें ये बोला गया था भारत दैट इज इंडिया, या इंडिया दैट इज भारत। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसमें इस तरीके से मेंशन है हमारे देश का नाम भारत दैट इज इंडिया। तो इस इंडिया जो शब्द है इसको ड्रॉप करने की बात चल रही है।
हमारी अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है वो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, राइट? तो लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको फ्रीडम दी गई है अपने स्टेट में वो एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जिसको वो ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ स्टेट ने क्या लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रखी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उसमें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इसका सही जवाब है हिंदी, दैट इज बी। ठीक है, ये देखिए जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एक एक कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जैसे यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वहाँ पे मैक्सिमम स्टेट्स की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, है ना, बिहार, इन सब की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज इन हिंदी। गुजरात में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज गुजराती। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज होने का किसी भी स्टेट का ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आएगा, गवर्नमेंट जो सर्कुलर निकालेगी वो इस लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी निकालेगी, लेकिन इस लैंग्वेज में निकालती है पर्टिकुलरली। जैसे अगर मध्य प्रदेश होगा तो अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश करती है तो वो हिंदी में आती है। सिमिलरली गुजरात में होगी तो गुजराती में आएगी, महाराष्ट्र में होगी तो मराठी में आएगी। सो दिस इज वॉट इज मेंट बाय ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन ये था या ये है आपके लिए कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा में कितनी सीट्स को अलॉट किया गया है। हमारे देश में, हमारा जो देश है उसका जो लेजिस्लेचर है वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट करता है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं और आपकी जो लोकसभा है उसमें कुछ 545 सीट्स होती हैं। ये जो सीट्स हैं ये स्टेट्स के बीच में डिवाइड होती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है कि जो छत्तीसगढ़ है उसको कितनी सीट्स अलॉट की गई हैं, दो सीट, 11 या 5 या नन ऑफ दीज। तो अच्छा, आप लोग इसका जवाब दे चुके होंगे और इसका सही जवाब है दैट इज सी, दैट इज 5 सीट जो है राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लिए अलॉटेड है, यानी 5 जो MPs होते हैं राज्यसभा के लिए वो छत्तीसगढ़ से आते हैं। वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करूं कि लोकसभा में, लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ के लिए कितनी सीट्स अलॉटेड हैं, मतलब लोकसभा में कितने MPs को छत्तीसगढ़ भेजता है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आने वाली स्लाइड में इसका आंसर है, आप अभी जवाब दीजिए पॉज करके। इसका सही जवाब है 11। 11 सीट्स आर अलॉटेड फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट इन लोकसभा हाउस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि किस स्टेट को कितनी राज्यसभा की सीट्स अलॉटेड हैं, तो इसमें ये जो पूरी आप लिस्ट देख रहे हो, अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो सीट्स अलॉटेड हैं वो है उत्तर प्रदेश के लिए। ये आपको एक याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा किसके लिए हैं? उत्तर प्रदेश के लिए हैं। वहीं अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 5 सीट्स अलॉटेड हैं छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के पॉलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। एट प्रेजेंट, मतलब अगर मैं 2020 के साल की बात करूँ, तो अभी जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उके, अनुसुईया उके। चीफ मिनिस्टर जी जो हैं वो हैं भूपेश बघेल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे देखिए आप किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है उसमें दो हाउस होते हैं, दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर दो हाउस होते हैं तो उसे बोलते हैं बाईकैमरल, यानी दो हाउस वाला लेजिस्लेचर, और अगर उसमें एक हाउस होता है तो उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारे देश में जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे यूनिकैमरल है। अगर दो हाउस होते हैं तो उनके नाम होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, अगर एक ही हाउस होता है तो वहां पे होती है विधानसभा। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहां पे सिर्फ विधानसभा है, यूनिकैमरल है। टोटल कितनी सीट है? 90 सीट है, और एक सीट जो है वो रिजर्व होती है किसके लिए? हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, ठीक है, दैट इज ऑप्शनल। तो टोटल 90+1 सीट्स है, क्लियर है, ये लेजिस्लेचर है। फेडरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि जो यूनियन है, इंडिया है, उसमें राज्यसभा में 5 सीट जाती हैं, 5 सीट अलॉटेड है छत्तीसगढ़ के लिए और 11 सीट अलॉटेड है लोकसभा के लिए। छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो है आपके बिलासपुर में, कहां पर है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम छत्तीसगढ़ के एरिया की बात करते हैं तो वो है 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल्स में देख अलग नंबर है, स्क्वायर माइल्स में कितना है? 52, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं रैंक वाइज एरिया में, एरिया वाइज इसकी रैंक आती है 10, 10, मतलब एरिया के आधार पे जो छत्तीसगढ़ का स्थान है हमारे पूरे देश के राज्यों में वो 10वां नंबर पे है। सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्लीज गैस करो,
पॉपुलेशन भाई 17th है, और अभी अगर 2020 की बात करें तो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन हो गई है 3.2 करोड़ 2020 की, लेकिन 2011 के हिसाब से कितनी है 2.5 करोड़, याद रखना। डेंसिटी जो है अब बढ़ गई है 240 पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई है 2020 में, अदरवाइज 2011 के हिसाब से जो डेंसिटी थी वो थी 189। इन फिगर्स में प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये 2020 के हिसाब से दिया हुआ है, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ स्टेट का एनिमल कौन सा है। मतलब देखिए हर स्टेट के सिंबल्स होते हैं, मतलब हर स्टेट ने अपने लिए स्टेट का ट्री, एनिमल, प्लांट, फ्लावर, ये सबको रिकॉग्नाइज करते हैं वो, जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पूरे देश में भी और विदेशों में भी। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ का भी एक स्टेट एनिमल है। आपके चार ऑप्शन हैं, बटरफ्लाई फिश, इंडियन पाम स्क्वायरल, इंडियन ग्रे मंगूस या वाइल्ड बफेलो। बहुत सिंपल सा जवाब है, राइट। तो इसका तो सही जवाब हो गया डी, दैट इज वाइल्ड बफेलो। आगे वाली स्लाइड में बाकी के भी स्टेट सिंबल्स आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहां से एक दो क्वेश्चन बनाता हूं। बताइए छत्तीसगढ़ का जो स्टेट फ्लावर है, जो फूल है स्टेट का, राज्य का जो फूल है, उसका नाम क्या है। एनिमल यहां पे हो गया, फ्लावर आप बताओगे। चलो पूरी लिस्ट देख लेते हैं एक बार, सो दैट सारे नाम याद हो जाए। तो ये तो रहा वो वाइल्ड बफेलो जो यहां पे छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। तो भाई क्या क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ का एम्बलम कुछ इस टाइप का है, यहां से भी एक क्वेश्चन में बनाऊंगा अभी। स्टेट का मोटो है सत्यमेव जयते, दैट मींस ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। ये जो सत्यमेव जयते है हमारे यहां पे, इसको इसको कहीं से क्या कहते हैं बोरो किया गया है, हमारे जो ऋग्वेदास होते हैं, उपनिषद होते हैं, उससे बोरो किया गया है। तो आप ये बताइए सत्यमेव जयते किस उपनिषद का पार्ट है, ये क्वेश्चन बन गया आपका। सोचिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट का सॉन्ग क्या है, अरपा पैरी के धार, द स्ट्रीम्स ऑफ अरपा एंड पायरी। तो ये स्टेट सॉन्ग है, प्लीज याद रखना, अरपा पायरी के धार, अरपा पायरी के धार। स्टेट का फाउंडेशन डे, दैट इज 1 नवंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टेट को कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 2020 में। स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफेलो, जिसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या है, बुलबुलस बुलबालिस, प्लीज डू रिमेंबर। स्टेट वर्ड है हिल मैना, हिल मैना जो है वो स्टेट एनिमल है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ग्रैकुला रेलिजियोसा, ग्रैकुला रेलिजियोसा। स्टेट फ्लावर जो है राइनचो स्टाइलिश जाइजेंटिया, राइनचो स्टाइलिश जाइजेंटिया, ये स्टेट फ्लावर है। और अगर स्टेट ट्री की बात करें तो वो है साल ट्री, जिसका बायोलॉजिकल नेम है शोरिया रोबस्ता। प्लीज ये सारे फैक्टों को याद कर लो, एक बार पॉज कर दिया, प्लीज पॉज करके देख लीजिए। किस उपनिषद से सत्यमेव जयते नाम का ये जो कोट है वो बोरो किया गया है, इसका जवाब देना है आपको। प्लस चलिए यहां से एक और क्वेश्चन बना लेता हूं, छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम क्या था, नंदीग्राम, राइट। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ का भी पुराना नाम हुआ करता था, तो वो पुराना नाम क्या है, कौशाल, दक्षिण कौशाल, कंबोज या छेदिस्थान, ये चार नाम है, ये छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है, इनमें से आप बताइए। तो इसी टाइप से कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको सोचने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अनौधी डैम जो है, अनौधी डैम वो किस रिवर पे बना हुआ है, औंधी डैम जो है, औंधी डैम वो किस रिवर पे, किस नदी पे बना हुआ है, ताप्ती, बंदे नदी, महानदी रिवर या नन ऑफ दीज। औंधी डैम जो है वो किस नदी पे बना हुआ है, और इसका सही जवाब है महानदी रिवर। रिवर की बात चली है तो आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता हो सकता है पता हो, इट्स नॉट दैट पिक्यूलियर या यूनिक। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में टोटल 5 रिवर बेसिन हैं जो बनते हैं, जो मेजरली पढ़ाए जाते हैं ज्योग्राफी में। ये 5 रिवर बेसिन है, जैसे महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी, ये 5 रिवर बेसिन हैं जो छत्तीसगढ़ में बनते हैं, प्लीज इनके नाम याद रखना। महानदी रिवर का कोर्स देख लेते हैं,
तो ये देखिए महानदी इस तरीके से ये कुछ निकलती है और ये इसका पूरा कोर्स है, आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पे, ये अगर आप मैप देखते हो, इसको मैंने बड़ा कर दिया है, कौन कौन सी नदी हैं, कहाँ से निकल रही हैं, कौन से हिल्स हैं, कौन से डैम्स हैं, ये पूरा मैप है। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है तो इसीलिए इसमें इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो माईकाल रेंज है, पेंड्रा प्लेट्यू है, फिर यहाँ पे सोहागपुर बेसिन, यहाँ पे सोनपार हिल्स हैं। तो इस मैप को एक बार ढंग से देख लीजिए, बाकी हम भी इसकी मैप की डिटेल में स्टडी करेंगे, क्लियर है, लेटर ऑन। चलिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन बना लेता हूं, महानदी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? रिवर का देखिए ये फॉल तो फाइनली एंड कहां पे हो रही है, जाके आपके बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ओरिजिन कहां से होता है ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, इसका जवाब देना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले सीएम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के पहले सीएम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है अजीत जोगी, रमन सिंह, हरे कृष्णा मेहताब या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताता हूं, जब तक आप इसके ऑप्शन का जवाब दीजिए, मतलब अपना ऑप्शन चूज करिए, तब तक मैं कुछ बातें बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, अरे सॉरी ये तो आ गया है, हाँ, तो जैसे यहां पे क्या ऑप्शन, क्या डिटेल बताता हूं, देखिए 1 नवंबर को ये छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, ठीक है, नए वाले छत्तीसगढ़ का। इसमें सबसे पहले जो सीएम बन के आते हैं वो है अजीत जोगी जी, अजीत जोगी जी के बाद फिर कोई आया सेकंड और थर्ड नंबर पे, और फिर अभी जो प्रेजेंट में है वो है भूपेश बघेल। तो यहां से किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि भाई आप ये बताइए सबसे लॉन्गेस्ट टर्म किस सीएम का रहा है, पहले सीएम हो गया, प्रेजेंट सीएम का नाम आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, या आज तक छत्तीसगढ़ में कितने सीएम रहे हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये अभी आपको मैं बताता हूं, ये थोड़ा सा एक आपको डाउट होगा। तो टोटल आज तक सिर्फ 3 सीएम रहे हैं, कितने, 3 सीएम, सबसे पहले थे आपके अजीत जोगी, सेकेंड है रमन सिंह, थर्ड है भूपेश बघेल, ठीक है। चुनाव कितनी बार हुआ है, सिर्फ अभी तक 4 बार, ठीक है, एक हुआ 2003 में, फिर हुआ 2008 में, फिर हुआ 2013 में और फिर हुआ 2018 में, ये 4 बार चुनाव। जो सबसे पहले अजीत जोगी जी थे वो जब मध्य प्रदेश का से ये अलग भी नहीं हुआ था तब ये सीएम बन चुके थे, तो ये कंटिन्यू करते रहे काफी, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको डाउट देख लेना, मतलब जो ऑप्शंस आते हैं। तो अगर टोटल असेंबलीज की बात करें, कितनी असेंबली आज तक लग चुकी हैं, तो टोटल 5 असेंबली हो चुकी हैं, मतलब अभी ये 5th लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है छत्तीसगढ़ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है 2011 सेंसस के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, व्हाट वाज यानी क्या थी 2011 के सेंसस में। आपके ऑप्शन है 27.93, 18.94, 87.53 या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब तो वैसे नन ऑफ दीज है, डी, क्योंकि कोई भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने छत्तीसगढ़ की आपको पॉपुलेशन बताई थी, दैट इज 25.45 मिलियन, राइट, पर इसका जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर था 27.93, सो राइट आंसर यहां पे ए दिया हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी जो पॉपुलेशन है अब तो वो कुछ 3 करोड़ के आसपास हो चुकी है 2020 में, और जब तक 2021 का सेंसस आ जाएगा तो ये फिगर्स फिर से चेंज हो जाएंगे, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। सेंसस के कुछ पैरामीटर्स यहां पे दिए हुए हैं आपको, प्लीज आप ये पढ़ लीजिए। जैसे कि देखिए, अगर हम सेंसस की बात मानते हैं, 2011 के सेंसस के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है वो है 2.56 करोड़, 2001 में यही पॉपुलेशन थी 2.08 करोड़, ठीक है, मिलियन या एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो दैट इज 25.54 मिलियन। कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, तो मेल और फीमेल लगभग बराबर है, मेल कितने हैं 12.8 मिलियन और फीमेल है 12.7, इसीलिए जो इसका जो सेक्स रेशियो है दैट इज 991। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम बात करें इंडिया की, जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.11% जो है वो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, और अगर डिकेडल एक दशक में कितनी बढ़ोतरी हुई है तो दैट इज 22.61% बढ़ोतरी हुई है छत्तीसगढ़ में, क्लियर है।
नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी जो है, कौन सी सिटी जो है वो फेमस है कोसा का जो कपड़ा होता है उसकी वीविंग इंडस्ट्रीज के लिए, कोसा वीविंग इंडस्ट्रीज के लिए? आपके चार ऑप्शन है, फर्स्ट इज चंपा, सेकंड इज पामगढ़, थर्ड इज धाबरा, फोर्थ इज नवागढ़, नवगढ़ कह लो नवागढ़ कह लो, थर्ड वन इज धाबरा, सेकंड वन इज पामगढ़, फर्स्ट इज चंपा। इसका सही जवाब है चंपा, दैट इज ए। चंपा जो जगह है, चंपा एक डिस्ट्रिक्ट का, मतलब जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, चंपा जाजगीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, 28th डिस्ट्रिक्ट भी है, वहीं पे उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज चंपा। तो चंपा जो है वो कोसा वीविंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। ये जो जितनी भी सिटीज़ हैं ये बताइए किन डिस्ट्रिक्ट में आती है, पामगढ़, धाबरा और नवगढ़। बस एक बार लोकेशन देख लीजिए चंपा की। तो जो मैं चंपा जांजगीर की बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आई होप आपने ये लोकेशंस देख ली होंगी, क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप ईमेल करके, कमेंट करके या टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको दो काम करने, एक तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स लिखिए, आपने ये जो मैंने 10 क्वेश्चंस आपको आज पढ़ाए इसमें आपने कितने जवाब दिए वो भी आप मुझे बताना, व्हाट वाज योर स्कोर, व्हाट इज योर स्कोर, वो प्लीज़ आप बताइए। उसके अलावा इस लेक्चर को रिव्यू करके जरूर बताएंगे आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड वेदर आई शुड कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ नॉट। अच्छा लगे तो इसको प्लीज शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो पेशेंटली, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दस विदानिया।